तुम क्या कह रहे हो बोरान? तुम उसे बालगाय के नौकरों के पास तन्हा छोड़ाए? बताओ मुझे, तुम कैसे सिपाही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बोरान? ये उस्मान साहब का हुक्म था और मैं इस पर सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे अपनी अमानत सौंपी और जाने को कहा, इसलिए मैं आ गया। हुजूर ने जरूर कुछ सोचा होगा। सिपाहियों, हम आलीशाल की हवेली नहीं जा रहे। तुम जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। उस्मान को ढूंढे बगैर वापस मत आना। ठीक है हुजूर। चलो जाओ जल्दी। गुंदोज साहब, क्या हुआ? हमारा मेहमान खास है, बाजंतीनी शहंशाह की भतीजी शहजादी एदल्फा। तो ये है शहंशाह की भतीजी, और क्या? अगर उस्मान साहब ना रोकते तो इनकी शादी कयातों से हो जाती। अगर ये शादी हो जाती तो इस सरजमीन पर बहुत से उगोस की हलाकत हो जाती। उस्मान ने इसी वजह से तुम्हें यहां भेज दिया ताकि ये शादी रुक सके। हुजूर, मुझे हुक्म मिला है कि शहजादी को आपके हवाले करूं। इनकी शनाख्त खुफिया रखें, किसी को नहीं पता चले। अल्लाह उस्मान की हिफाजत करे। पाई कबीले में खुशामदीद शहजादी। ताईजान, मेहमान की मेजबानी में कोई कमी ना हो, लेकिन इनकी शनाख्त पोशीदा रहनी चाहिए। मैं आपकी मशकूर हूं, मेरी वजह से परेशानी तो नहीं होगी ना? मेहमान अल्लाह की रहमत होती है बेटी, दिल से खुशामदीद कहती हूं। बाला, हमारे साथ आओ। आ जाओ बेटी। ये क्या किया तुमने उस्मान? कैसे अपने आप को इतने बड़े खतरे में डाल दिया तुमने? गुंदोज साहब, मैं उनके पीछे जाता हूं अगर आप मुझे कहें तो। इस मामले में कोई राज है, मुझे लगता है कोई तो बात है। कैसा राज बंसी साहब? गोंदूस, अगर उस्मान ने शहजादी को अगवा किया और बालगाय वहां मौजूद था तो जंग नहीं होगी बल्कि वहां अमन होगा। बालगाय उस्मान का इत्तेहादी बनना चाहेगा।